नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है, 29 जनवरी को गोहाणा में होने वाली अमित शाह की रैली को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सरपंचों ने ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में रविवार सुबह 7 बजे से 1 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा प्रदेश के सरपंचों ने रोहतक जिले के जसिया गांव स्थित छोटूराम धाम में इकट्ठा होकर सरकार को अपनी ताकत दिखाई। यही नहीं, सरपंचों ने तो नरवाना में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान कर दिया और कहा कि मुख्यमंत्री को किसी भी कीमत पर कार्यक्रम में नहीं आने देंगे। बता दें कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में प्रदेश के सरपंच सरकार के खिलाफ लामबंद है और काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी आंदोलन के तहत आज रोहतक के जसिया गांव में हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके चलते आज पूरे देश से सरपंच यहां पर एकत्रित हुए और बड़ा ऐलान कर 29 जनवरी को गोहाणा में होने वाली अमित शाह की रैली के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इस रैली के विरोध में हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन ने सुबह 7 बजे से 1 बजे तक पूरे प्रदेश में चक्का जाम की घोषणा कर दी है। हरियाणा प्रदेश सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर गिल ने कहा कि जब तक ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल वापस नहीं होगी, तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अभी तो केवल चक्का जाम की घोषणा की है, अगर 7 दिन में हरियाणा सरकार ने अपनी मांगे पूरी नहीं मानी तो प्रदेश के सरपंच चंडीगढ़ की ओर कूच कर भी कर सकते हैं। यही नहीं, 30 जनवरी को नरवाना में होने वाले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के विरोध करने का भी फैसला लिया गया और कहा कि मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को सरपंच नहीं आने देंगे। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।